दोस्तों नमस्कार। चलिए हम भी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह की खुशी में शामिल हो जाते हैं और इस वीडियो पर, इस न्यूज पर एक खबर देते हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह साहब ने कुछ ही देर पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें खुशी मना रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चाहता हूं कि आप भी एक बार इस पोस्टर पर नजर डाल लें। देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह साहब ने अपने एक गाने का पोस्टर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े लेवल पर खुशी मना रहे हैं। क्या है डिटेल, क्या है पूरा माजरा इस खबर के बारे में, ये भी अब आप तक पहुंचा ही देते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि नजरिया ना लागे, हाल ही में चांदनी सिंह जी के साथ पवन सिंह साहब का ये गाना रिलीज हुआ था, जिसने देखते ही देखते 30 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया, यानी 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस गाने को अब तक सुन लिया है। और इसी बात की खुशी इस समय पवन सिंह साहब मना रहे हैं, जिन्होंने सारी अपडेट और इस पोस्टर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिस पर कमेंट्स की भरमार लग गई है। लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं पवन सिंह साहब के इस गाने से। जहां तक का गाने की बात करें तो आपको बताया कि कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया कि कम से कम 3 करोड़ व्यूज का आंकड़ा जो है बड़े ही आसानी से पवन सिंह साहब के इस गाने ने बटोर लिया है। 3 हफ्ते पहले ही इस गाने को रिलीज किया गया था PRA फिल्म्स के बैनर तले और टाइटल नाम इसका नजरिया ना लगे रखा गया था, खासतौर से पवन सिंह साहब की चांदनी सिंह जी के साथ में जो सबसे स्पेशल केमिस्ट्री है वो लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही थी। और हमेशा ही जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो तहलका मचना लाजमी ही होता है। और वीडियो में जिक्र भी कुछ इस तरीके से हमने देखा था, वैसे पवन सिंह साहब जो हैं चांदनी के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। चांदनी सिंह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हो चुकी हैं। कुछ डिटेल के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो नजरिया ना लागे टाइटल का नाम है, पवन सिंह साहब ने इसे गाया है, प्रिंस प्रियदर्शनी ने लिखा है, म्यूजिक दिया है प्रियांशु सिंह ने, जबकि चांदनी सिंह को इसमें फिट किया गया है। और दीपक सिंह ने विजन दिया है, कोलाबरेशन अमित सिंह और ऋतिक सिंह के साथ हुआ है, जबकि एडिटर शुभम बाबू हैं, DOP इसके राम बाबू हुए, कोरियोग्राफर राहुल यादव थे, डिजाइनर जो है वो राजू दादा है, डायरेक्टर ऋषि सम्राट है और PRA फिल्म्स के बैनर तले इसे रिलीज किया गया। जबकि प्रोड्यूसर का नाम आपको बताएं, राजीव रंजन सिंह प्रोड्यूसर कहे जा रहे हैं, जबकि कोऑर्डिनेट किया था अमित कुमार सिंह ने और डिजिटल मैनेजर जो है वो अमर प्रजापति हैं। डिजिटल पार्टनर 7 संग्राम डिजिटल मीडिया पार्टनर है, अमरजीत जो है इसको पूरा काम देखते हैं। और बहुत बड़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि पवन सिंह ने अपने इस गाने की सफलता का जश्न मनाया है, तो मैं तो शामिल हो गया हूँ। आप किस हद तक शामिल हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ, नमस्कार।